आज आईपीएल के 13वें सीजन का 11वां मैच था। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग करते हुए शुरुआत के 7 ओवर में 50 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। हैदराबाद की शुरुआत ठीक ठाक तरीके से हो गई क्योंकि हैदराबाद की एक भी विकेट नहीं गिरी थी। लेकिन अमित मिश्रा के 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर अमित मिश्रा ने डेविड वार्नर को आउट कर दिया। डेविड वार्नर ने 33 बॉलों पर 45 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स को पहली विकेट मिली। दोस्तों, एक बार फिर अमित मिश्रा ने 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर मनीष पांडे को आउट कर दिया। मनीष पांडे ने 5 बॉलों पर 3 रन बनाए। 13वें ओवर की पहली बॉल पर हैदराबाद के 100 रन पूरे हो गए 2 विकेट खोकर। दोस्तों, 17वें ओवर में जॉनी बेस्टो ने अपने 50 रन पूरे किए 44 बॉलों पर। दूसरी छोर पर केन विलियमसन काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर रवाड़ा ने जॉनी बेस्टो को आउट कर दिया। दोस्तों, 19वें ओवर की 4थी बॉल पर रवाड़ा ने केन विलियमसन को आउट कर दिया। केन विलियमसन ने 26 बॉलों पर 41 रन की शानदार पारी खेली। हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जॉनी बेस्टो हैं। जॉनी बेस्टो ने 48 गेंदों पर 53 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अमित मिश्रा और कैलिस्टो रबाड़ा ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। अमित मिश्रा ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए और वहीं कैलिस्टो रबाड़ा ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दोस्तों, सेकंड इनिंग की शुरुआत शिखर धवन और पृथ्वी शॉ करते हैं और भुवनेश्वर के पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर पृथ्वी शॉ आउट हो जाते हैं। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर राशिद खान ने श्लेष अय्यर को आउट कर दिया। श्लेष अय्यर ने 21 बॉलों में 17 रन बनाए। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिद खान ने शिखर धवन को भी आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल की शुरुआत ठीक ठाक तरीके से नहीं हुई। ऋषभ पंत और हेडमायर ने बीच में अच्छे शॉट्स लगाए लेकिन हेडमायर भुवनेश्वर की 15वें ओवर की पहली बॉल पर आउट हो गए। फिर मार्क स्टोनिस और ऋषभ पंत ने मैच को आगे बढ़ाया लेकिन राशिद खान ने 16वें ओवर की 4थी बॉल पे ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया। 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर मार्क स्टोनिस भी आउट हो गए। लास्ट ओवर में 28 रन चाहिए थे दिल्ली को जीतने के लिए। 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल को खलील अहमद ने आउट कर दिया और दिल्ली कैपिटल्स 15 रन से हार गई। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन शिखर धवन ने 34 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट राशिद खान ने लिए। राशिद खान ने 3 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।